यह है सर्दियों के मेहमान, जो कि इतनी ज़्यादा संख्या में आए हैं। ये डक्स हैं, बत्तख। देखिए कैसे तैर रहे हैं बिल्कुल सामने, और ये काफ़ी दूर से आते हैं, काफ़ी हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके सिर्फ सर्दियों में आते हैं रामनगर बैराज के पास। देखिए कितने मज़े में तैर रहे हैं, और कितने सारे ये सामने बैठे हैं, धूप सेक रहे हैं। ये मछली पकड़ते हैं पूरी सर्दियों में भी, अपनी यहाँ ब्रीडिंग करते हैं। अभी तो यहाँ पे जैसे वो घास आपको नज़र आ रही होगी, इन घासों में ये जो घास होती है सूख जाती है, तो इन्हें सरकंडे बोलते हैं। तो उन सरकंडों में अपनी ब्रीडिंग करते हैं, और ब्रीडिंग करने के बाद जैसे सर्दियों का मौसम ख़त्म होता है तो ये चले जाते हैं। इसमें ही आपको जो ये काले काले कलर के कुछ नज़र आ रहे होंगे, इन्हें जलकौवे बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पानी के अंदर जाके मछलियों को दौड़ा के पकड़ते हैं। वो देखिए वो वहाँ पे गोता मारा है, देखिए ये अभी ऊपर आएगा, वो देखिए आगे ऊपर वो भी जलका हुआ है। ये सारे ये देखिए ये यहाँ पे देखिए बैठा है, ये सामने गया। वैसे तो इन्हें डक को गीज़ बोला जाता है, गीज़ मतलब डक। डक की अलग अलग प्रजाति होती है। इस प्रजाति का नाम मैं YouTube पे या Google पे खोज के आपको बताऊंगा। देखिए क्वालिटी देखिए आप। अच्छा, इनके अंदर ऐसा इतना अच्छा इंसुलेशन होता है कि पानी में भीगते नहीं हैं, पूरी रात ऐसे ही तैरते रहेंगे, और पानी में ही इनकी सुरक्षा है। जितना पानी में रहेंगे उतना ज़्यादा सेफ रहते हैं, पानी के बाहर ये बहुत कम ही निकलते हैं, जैसे कि किनारों पर जहाँ पर इंसान का आवाजाही ना हो, इंसान वहाँ से दूर है। अभी यहाँ पर क्लीनिंग कर दी है, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। पिछले साल तक यहाँ पे घास वगैरह थी, सरकंडे थे, तो जिसकी वजह से इनकी ब्रीडिंग अच्छी होती थी यहाँ पे। और ये हर साल सर्दियों में आते हैं, और सिर्फ यहाँ पे नहीं, पहाड़ों की ये नदी जहाँ पहाड़ों में यहाँ से आ रही है, तो ये वहाँ पे भी आपको इस वक्त ये पहाड़ों में हर जगह मिल जाएगी। और ये जो नदी है इसे कोसी बैराज बोलते हैं, वैसे ये रामगंगा से मिली हुई है, ऊपर पहाड़ों में इसी नदी को रामगंगा बोलते हैं। और ये देखिए रामनगर का बैराज। तो मैं अभी हल्द्वानी को जा रहा था, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना ली जाए। ये देखिए आप कितने आराम से। अच्छा, यहाँ पे पानी बहुत गहरा है, तो मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे मछलियों का कोई रोक टोक नहीं है कि आप मछली, मतलब रोक टोक है मतलब मछली नहीं पकड़ सकते, तो इसलिए इनको यहाँ पे बहुत अच्छा आहार मिल जाता है। तो इंसानी बस्ती के पास में देखिए कितने आराम से तैर रहे हैं, और ये हर साल आते हैं, हर साल सर्दियों की शुरुआत में आते हैं, और